हाथ है जैसे, उसको ऐसे लगाना है बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे रख गया एक बार में। ठीक है यार, पहले ये भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं था ये। अच्छा इसका तो मॉर्निंग पी लेते हुए, इसका तो छूट। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में अपने लिए बना रही हूँ मेरे फेवरेट बटर मशरूम। बटर डाल दिए हैं और उसमें अब मशरूम को हल्का सा सौते करूँगी और उसके बाद नमक डाल के खाऊंगी। मेरे फेवरेट है। और मेरा यहाँ पे बन रहा है बटर मशरूम। वाह, इनोसेंट कलर लग रहा है। और यहाँ पे बनके रेडी है मेरा मशरूम। ज़्यादा इसको पकाया नहीं है क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ा सा जिसमें क्रंचीनेस होता है ना वो गायब हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा सौते करके खाना पसंद करती हूँ। ये हो गया मेरा फाइनल रेडी, हल्के से मिर्ची के साथ, हल्के से नमक के साथ, ऊपर से हरे धनिए को डाल के। आहा हा, देखने में ही टेम्पटिंग लग रहा है ना। कमेंट करके बताना कि किस किस को ये दिखने में अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह उठ के हो गए हम नहा धो के रेडी, और आज जा रहे हैं भैया दिल्ली वापस। तो सुबह सुबह भैया को करते हैं विदा, फिर करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि भैया तो करके जा नहीं रहे हैं, तो भैया के बदले का मैं ही करूँगी अब ब्रेकफास्ट। आज हो गए हैं मेरे रेडी, अपना चार्जर लपेटते हुए, और जा रहे हैं आज खुशी खुशी। और ये बन गए हैं भैया DDLG के शाहरुख खान, बिल्कुल वैसा ही बैग टांग के अब भागेंगे ट्रेन के पीछे। टीका लगता है, ऐसे नहीं चलते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ रिवाज है हमारे यहाँ का कि टीका लगा के जाते हैं, शगन होता है, शगन दिन शगन आता, दिन शगन आता चढ़िया लाद बैकग्राउंड में लगा दियो क्या, दिन शगन आता। और भैया जा रहे हैं तो बड़ा बुरा भी लग रहा है, झूठी। लेकिन कोई बात नहीं, आज भैया और मेरी दोनों की छुट्टी खत्म हो गई है, क्योंकि आज शाम को मुझे भी जाना है और अभी सुबेरे भैया जा रहे हैं। तो आज चार दिन का दिन, तो आज चार दिन का पता नहीं चला, मेरे को भी चार दिन हो गए आए आए, और भैया को भी चार दिन, लेकिन हमारा चार दिन का टूर कैसे गया, कहाँ गया सच में पता नहीं चला। लेकिन आज मेरे पास पूरी दिन है, तो मैं दिन में पूरा सोऊंगी, आज रेस्ट मोड है मेरा, बस सोऊंगी और दिन में खाना खाने उठूंगी, फिर सोऊंगी और शाम को उठ के निकल जाऊंगी फिर ससुराल। सुबह भी तो जा सकती है, क्यों जाऊँ सुबह, शाम को जाऊंगी मैं, शाम को नहीं तो सुबह क्या दिक्कत है, सुबह नाश्ता करूंगी, दिन मैं खाना खाऊंगी तो अपने मायके का इतनी धूप में। गा रही है मम्मी भैया को पिठा, और पिठा मतलब सगन, सगन भैया को सगन कर रही है, सगन दे रही है, सगन सगुन दे रही है भैया को। भैया आप कब आओगे, कैमरे में बता के जाओ कब आओगे घर के, या आप कब आओगे? रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन से पहले कुछ ऐसा फेस्टिवल भी नहीं है ना, क्या है तेरा बर्थडे? मेरा बर्थडे है, ये मेरा बर्थडे है, बर्थडे में आओगे तो गिफ्ट लेके आना, बड़ा बड़ा गिफ्ट लेके आना। मैंने अभी वीडियो में रिकॉर्ड कर दिया कि बर्थडे में आना, गिफ्ट लेके आना। और अगर याद ना आए तो ये वीडियो मेरी देख लेना कि सनी ने इसमें क्या बोला है, रीड भी नहीं करवा सकता, ऑडियर पड़ा हुआ। हाँ। लगा लिए है अपना टीका, अब लगाएंगे टीका लगा लिया। हमारे उसमें लगाते हैं, पहले अपना लगाते हैं फिर। अच्छा नीचे से ऊपर जाते हो, ऊपर से नीचे आते हो? नीचे से ऊपर को। चलो ठीक है लगाओ अब भैया का। हमारे उसमें ऐसे लगाते हैं, हमारे कल्चर में आजकल शॉर्ट कर दिया, नहीं तो पहले नाक से लगाते थे, मॉडर्न बन गए ना, जय हो प्रभु की जय हो। अरे वरदान भी आपका तो सिर्फ माथा ही माथा लग रहा है, ऐसा लग रहा है माथे में सिर्फ टीका ही टीका लगाया है। बेटा बाल उड़ गए मेरे, पैसा बहुत है, बाल उड़ गए, ये कर दिया है, आशीर्वाद दे दिया है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये पकड़ के, ये जरूरी है, पकड़ लो
अगर नहीं अच्छा लगे तो बहन को दे सकते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मजाक, ये मजाक था, मजाक। नहीं 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 भैया, पकड़ना, मजाक कर रही हो तो ये शाम को उसको भी तो मिलेगा, हो जाएगा। भैया ने बड़ी ही और भैया ने बड़ी ही बेशर्मी के साथ रख दिया है जेब में। मेरे दो बार, मेरे दो बार कहने के बाद भी ये बहन को दे दो करके फिर भी बड़ी बेशर्मी के साथ रख दिया है जेब में कंटेंट के लिए। मेरे को दे दिया, भूल गया। अब ये जब वीडियो काट दिया तो कि कोई नहीं, मैं तो कंटेंट के लिए गई, तो मैंने भी कह दिया मैं भी कंटेंट के लिए दे रहा था। हद है, हद है, हद है। चला जा, चलो तो चलते हैं भैया को छोड़ने के लिए, चलते हैं। मैं, मम्मी और भैया, भैया को बस स्टॉप तक तो नहीं छोड़ूंगी मैं, तो दुकान के यहीं तक छोड़ दूंगी, अपने आप जाते हैं। बस स्टॉप में नहीं आऊंगी, मैंने ना 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 पापा जाएंगे, अपने ने नाश्ता वास्ता भी करना है, क्या आपको छोड़ने में टाइम लगा दूं? ऐसे चल नहीं सकती है। ना ना ना, आने की गारंटी हमारी, जाने की खुद की है। ना इतना प्यार मोहब्बत नहीं दिखाते मैं किसी के साथ। 10-15 मिनट मुझे पता है ना, दिल्ली वाली बस कब आएगी करके, मुझे नहीं बेवकूफ बनने वाला। तो चलते हैं नीचे, यहाँ पे पापा बैठे हुए, और ये है मेरे पापा का बहुत बड़ा कारोबार। कारोबार, और उधर से दिखाती हूँ मैं पापा की दुकान। ओहो, नम आंखों के साथ धो छूलिए पैर। और ये है मेरे पापा की दुकान, जिसमें मैंने भी काफी साल बैठ के इस दुकान को चलाया है, पी को करा है, फोटो स्टेट करी है पापा के यहाँ पे, और ये पापा की ये सारी चीजें भी काफी मैंने बेची है, और मैं पूरा एक साल प्रॉपर बैठी हूँ। और पापा की दुकान में होते हैं बहुत तरह तरह के काम, बैंक से रिलेटेड काम, अगर किसी को एप्लीकेशन लिखानी है, किसी को बैंक का फॉर्म भरना है, पीको करवाना है, फॉल लगवाना है, लेमिनेशन करवाना है, और अगर ऑनलाइन कुछ वर्क करना है तो यहाँ पे पापा ने मेरा लैपटॉप भी रखा हुआ है, जो कि दो बार मैंने यूज किया, उसके बाद मेरे पिताजी ने हड़प लिया है। तो काफी सारे काम होते हैं। ये है चंद पीसीओ वाले, चंद पीसीओ वालों के नाम से यहाँ फेमस मेरे पिताजी मिस्टर नर बहादुर चंद। ठीक है, जल्दी आना। ये सर टाइम टू मेरे पापा वरदान भैया को छोड़ने के लिए बस स्टेशन तक, और ये डी डी एल जे का शाहरुख खान निकल गया है घर से। तब से अलविदा ही कर रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। मैं तो नहीं, ये पापा जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं भैया को ड्रॉप करने के लिए। और ये आ गया है मेरा ब्रेकफास्ट, मशरूम चाय, और ये तिकोने वाले पराठे। तो करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, हैं थोड़ा सा पापा की दुकान में, देखते हैं क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है काम, और पापा के साथ थोड़ा सा बिताती हूँ टाइम। और ये मैं बैठ गई हूँ आज पापा की गद्दी में, काफ़ी टाइम के बाद, पहले मैं भी बैठती थी यहाँ पे। मैं आते ही यहाँ पे लग गई हूँ अपने काम में, पापा की थोड़ी सी हेल्प करके कर रही हूँ थोड़ा सा काम। ओटीपी तो जा रहा है, वो कौन से नंबर पे जा रहा है, इसके अलावा कौन सा नंबर है आपके पास, और कौन नंबर है जो है पहले पुराना कर दियो। और कर ली है मैंने पापा के साथ बैठ के दुकान में थोड़ी हेल्प भी, और थोड़ा देख लिया दुकान की दिनचर्या अपनी। अब पापा कर रहे हैं मेरे चैनल को प्रमोट, तो दिखाती हूँ आपको क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंटर से निकाला है अपनी ये फिटफुल फैमिली ब्लॉग्स का प्रिंट आउट, तो पापा इसको लगाएंगे अभी अपनी दुकान में, तो थोड़ा सा मेरा चैनल प्रमोट हो के शायद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। हाँ पापा, यहीं पे लगा दो, क्योंकि जो आपका स्कैनर में पैसे भेजेगा ना, वही एक बार नोटिस भी कर देगा कि अरे ये चैनल का चैनल है, यहीं पे लगा लो। हाँ, ये चमक भी नहीं रहेगा, क्योंकि शीशे में लगाओगे तो वहाँ से धूप आ जाएगी। पापा की कुछ हो गई थी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक, तो पापा ने वो सही कर दी है। फिलहाल मैं ये अपना बैनर ही हुआ ये लगा के जा रही हूँ दुकान में, और लोग देखेंगे तो शायद मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। तो कभी भी एक छोटी छोटी कोशिश से ना सफलता बहुत बड़ी मिल जाती है, तो इसीलिए एक छोटी सी कोशिश करी आज मैंने पापा की दुकान से। आज मैं करती हूँ आपसे एक बात शेयर, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कुछ टाइम, एक साल दो साल ऑलमोस्ट इसी दुकान में बैठी थी, पूरा ये दुकान मैंने पूरी प्रॉपर चलाई है, तो मैंने इसके सारे काम सीखे थे। लाइक हमारी दुकान में जो जो काम होते हैं मैंने वो सारी चीज़ें सीख ली थी।
बचपन में मैंने कभी सुई में तागा भी नहीं डाला था, लेकिन जब पापा की थोड़ा तबीयत ख़राब हुई तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं सारी चीज़ें सीख ली थी। लाइक मेरे को मशीन नहीं चलानी आती थी, पीको फॉल नहीं करना आता था, तो मैंने ये पीको फॉल वाली मशीन भी देख देख के मतलब चलानी सीख ली। तो दुकान का सारा काम यहाँ पे कर लेती थी, लाइक बैंक से रिलेटेड काम हो गए या लोगों पे कुछ भी काम होते थे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें निपटा लेती थी। तो आज भी अपनी वही चीज़ को ना, वो वाली चीज़ ना बड़ी मिस करती हूँ मैं, कि यार मतलब अच्छा लगता था यहाँ पे बैठो तो ना काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता था, लोगों की चीज़ें होती थी कि यार बैंक में ये प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये सॉल्यूशन है, या फिर कुछ हम चीज़ें खुलवा रहे हैं लाइक LIC पॉलिसी तो उसमें क्या है, तो काफ़ी चीज़ें ना मतलब मैंने सीखी हैं यहीं पे अपने पापा को देख देख के, उन्होंने भी मुझे सारी चीज़ें काफ़ी सिखाई हैं, मतलब बैंक से रिलेटेड सारे वर्क मैं करती हूँ यहाँ पे। बाकी अपना यहाँ पे मैंने लैपटॉप ये सारी चीज़ें रखी हुई है, तो उसमें जैसे अपना आधार का काम करना, अपना पैन कार्ड का काम करना, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पापा से ही सीखी हैं। तो ये चीज़ें ना मतलब मायके आके मुझे बड़ा मिस करती हूँ, ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी मुझे, ये अपना डेली रूटीन में ये सारी चीज़ें करना। आज काफ़ी टाइम के बाद बैठी हूँ, तो बैठने के बाद ना पापा भी फ्री महसूस कर रहे हैं कि चलो आज मैं बैठी हूँ, तो पापा भी चले गए अपना संडे इन्जॉय करना आराम से, अपने जो और काम होंगे उनको और काम निपटाने, ये सोचते हुए कि अरे यार सनी बैठी है दुकान में तो चलो निपटा लेगी करके। तो आज अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद मतलब अपनी दुकान चलाई ना, मज़े आए आज सच में। मैंने लग गए हैं हम अपना दिन का लंच, मिक्स दाल चावल सैलेड और ये पहाड़ी रायता बनाते हो यहाँ पे पापा के लिए शाम की चाय। क्या गई हूँ इवनिंग टी, अब बैठते हैं पापा और मैं और साथ में पीते हैं चाय। क्या वो आज हो गई है मेरी छुट्टी ख़त्म और मिस्टर भरजील यहाँ पे आ गए मुझे लेने के लिए, लेट्स गो। मैं निकल गई हूँ टीका वीका लगा के, आज मेरी छुट्टी हो गई है ख़त्म, तो मैं निकल गई हूँ मायके से अपने ससुराल, बड़ा बुरा भी लग रहा है जाते हुए, और ये आ गए हैं मुझे लेने के लिए। हेलो, हमारा हो गया काला मैना फाइनली यहीं पे समाप्त, और बड़ा आज बुरा लग रहा है मुझे मायके से जाते हुए यार, पर क्या करूँ जाना पड़ता है लड़कियों को। बच गई हूँ अब अपने ससुराल, मायके से ससुराल। इसने ये सब रोल डाउन हो गया, मैंने नहीं फिर मैंने मामा को फोन करा, उसने मुझे कॉल कर दिया था, फिर मैंने मामा को फोन करा कि मामा ओ पापे रोटी ओ हो आप तो हमने कंप्लेन चेंज कर रखे है, आ जाओ मम्मी को वहां जाके प्रणाम कर देती हूं मैं। ठीक है, आ भाई आ भाई ना, तुम भी जाओ प्रणाम कर लो, तुम भी तो 5 दिन के बाद काले रहने के बाद आ रखे हो। ये मैंने घर में आके डिनर, और ये लक्की है एक्स्ट्रा खुश आज, मामी आ गई करके, लक्की को यही चाहिए था बस संतुष्टि हो, अब लक्की को मैं आ गई, अब इसका कल का पेपर अच्छा जाएगा। और ये मामा और भांजी दोनों झगड़ते हुए की मार मत यार। सो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल, अब बनेगा मेरे ससुराल से व्लॉग, सो गुड नाइट बाय।